सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ से लगभग 18 किलोमीटर पहले। और आज मुझे लगता है कि जंगल में रात काटनी पड़ेगी। और यहाँ से 18 किलोमीटर अभी तुंगनाथ है, और अब गाड़ी भी नहीं मिल रही है, पैदल चलना पड़ेगा आगे, तो दिक्कत हो जाएगी। आगे कोई भी मकान नहीं है, कोई भी होटल नहीं है, और देखो टोटल जंगल ही जंगल है। और इस जंगल में ये समझ लो, अगर आज अगर मैं रुक गया जाएगा तो मेरा भोजन पक्का बन जाएगा मेरा ना, मैं आज डिनर बन जाऊंगा। और उसका जो भी शेर है, चीता, किसी का भी होगा, उसका मैं डिनर बनने वाला हूँ पक्का आज। तो वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं, तो मैंने सोचा है आज यहीं रुकने के लिए सोचा है। और अभी यहाँ जाएंगे, ये मकान है ये, तो यहाँ पूछेंगे, अगर यहाँ रुकने के लिए बता देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पीछे यहाँ पे सरकारी दफ्तर बनाए, पुलिस चौकी बनी है यहाँ, अभी बात करेंगे जाके। और मैं ऊपर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊपर जाने का ख़तरा बहुत है, क्योंकि टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं। और आप जानते हो जो पहाड़ों में ना टाइम बहुत जल्दी जाता है और सूरज जल्दी डूबता है। तो देखो ये यहाँ पे भी कैंप लगा सकते हैं, वैसे कैंप यहाँ लगाएंगे तो बेकार, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ खड़े हैं, फिर इनके टूट जाएंगे। तो अभी तो हम यहीं पे देखेंगे, अभी बात करेंगे इनसे कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर ये मना कर दें तो उधर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, लेकिन ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर तुंगनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से चोटी वो सामने उधर दिख रहा है, वहाँ पे है। और अभी तो यहीं पे हैं, जैसे जाने वाले तो थे, देखो कुत्ता भौंक रहा है मेरे से, तो चले तो जाते हैं, लेकिन कोई अगर लिफ्ट मिल गई तो चले भी जाएंगे, इतनी बड़ी भी बात नहीं है। 18 किलोमीटर बहुत बड़ा सफ़र होता है भाई, वो भी पैदल चलना, और टाइम भी नहीं रह गया है, टाइम ख़त्म हो गया, नहीं तो चला जाता मैं। और कल मैं लगभग 12 से 1 बजे तक पहुंच पाऊँगा, क्योंकि फिर कोई आएगा नहीं तो तब तक कैसे पहुंच पाएंगे। और यार टोटल जंगल ही जंगल है, इसमें तो जाने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि जंगल में पता नहीं कब क्या हो जाए। और इस जंगल में एक बात और है, मैं जंगल जंगली जानवर बहुत लगते हैं, तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो अभी तो यहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ ये यहाँ चौकी बनी है, वैसे एक गाड़ी आ तो रही है, पता नहीं नहीं आ रही, यहाँ नहीं मेरे वापस जा रही है वो, तो अभी तो यहीं है। और देखो यहाँ की खूबसूरती देखो, एक से VIP जंगल है, एक से VIP पेड़ है, और इसके नीचे नदियाँ चल रही है, नदी चल रही है, वो सीधे उसी में मिलती जाती है, केदारनाथ वाली नदी में मिलती है जाके। और यहाँ पे होटल भी है, आगे खाना भी मिल जाएगा खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और घर भी बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जानवरों का खतरा नहीं है वैसे। और आगे अगर जाएंगे तो हम जंगल में, अगर आगे अगर हम वैसे यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद एक बेस है, जो कि वहाँ हम कैंप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में मुझे रात हो जाएगी, इतना पता है, और रात हो जाएगी तो वहाँ पर मैं वहाँ पहुँच भी नहीं पाऊँगा। और रात में 6:30 बजे के जानवर बाद में यहाँ पर रास्ते में आने लगते हैं, और कई तो बार देखा गया है, 4 पहिए से जो जाते हैं यहाँ लोग, तो उनको मिले हैं कई बार जानवर, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम यहीं पर आज स्टे करेंगे। हमारा बैग यहाँ पर देखो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी खाना भी पैक करा लिया है, जो यहाँ ब्रेड है उन्हें पूरा पैकेट ले लिया, 60 रुपये का दिया है, जिसमें से 12 ब्रेड हैं और 2 बिस्किट लिए हैं 10-10 वाले, तो उनमें काम चल जाएगा मेरा खाने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बाइक आ रही है, अगर देखें लिफ्ट मिल जाएगी तो अच्छी बात है भाई, और अगर मिल गए तो मैं पहुँच गए जाने जल्दी, नहीं यहीं आयो यहीं तक, चलो वैसे यहाँ तक आए हैं आप, तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं रात में, क्योंकि यहाँ आगे जाने खतरा है मुझे भाई, अकेले हो? हाँ अकेले हैं, आगे जाएंगे तो जंगल जंगल है, आगे तो जंगल ही जंगल है ना, गांव तो है नहीं आगे, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पे कैंप आज रात में लगा लेते हैं। नहीं कैंप लगाना मना है यार, सेंचुरी में हैं, सेंचुरी में कहीं यार कैंप नहीं लगाना, फिर कहाँ पे सोएंगे यार, समझ नहीं आता मेरे, कहाँ से आप? हाँ मैं यूपी से हूँ, क्यों ऐसा क्या हो गया? तो हेलो गाइस, मैं हूँ इस टाइम पे बीचों बीच जंगल में, लगभग तुंगनाथ से 15 किलोमीटर पहले हूँ अब। और यहाँ पे जो ये जो नदी देख रहे हो, ये चंद शिला से आई है,
और जो ये जो व्यक्ति हैं ये हैं वन विभाग से अधिकारी हैं जो, और इन्हीं के साथ आज हम रुके हैं। से आ रहे हैं जी, और अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं बस, तो भाई के साथ घूमने जा रहे हैं थोड़ा। और ये भी वही गाड़ी जा रही है तुमनाथ के लिए। वैसे तो यहाँ महंगाई बहुत है, यहाँ ऊपर जाने के लिए लोग 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं ना, बहुत महंगाई है यार यहाँ तो भाई। यार यहाँ जानवर बहुत रहते रात में, पता नहीं यहाँ तो मैंने तो भाई के साथ में रुक गया, आज तो आज मैं डिनर बन जाता पक्का। फिर आगे चलते हैं। वैसे ये जंगल है ना, जो इस जंगल में जानवर बहुत रहते हैं, और जहाँ तक है आज मुझे जानवर दर्शन भी हो जाएंगे यहाँ यहाँ के। कि मंसूरी में आ गए हों, मंसूरी से भी अच्छा है। देखो सूरज दिख रहा है उधर, और उधर केदारनाथ है, और यहाँ पे देखो इतनी गहराई है, अगर यहाँ से गिरे तो ये समझो हड्डी तो दूर छोड़ दो, मांस भी नहीं मिलेगा, इतनी ऊंचाई है यार। और हम लोग वहाँ से आए, देखो जो बो रास्ता दिख रही है वहाँ से ऐसे घूम के घूम के यहाँ आए। वैसे आपको एक बात बता दो कि यहाँ 5 बजे के बाद में जानवर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और भाई बता रहा है कि 5 बजे के बाद में आप जंगल में तो बिल्कुल नहीं रुकना, और कहीं अगर घर हो किसी का या किसी का कैंप लगा तो वहाँ स्टे कर सकते हो। और अभी तो बस यहीं भी घूमने आए हैं, उसके बाद भाई के जाएंगे वहाँ रात में लेटेंगे जाके, और कुछ नाश्ता किया था अभी, अंगूर खिलाए थे भाई ने, बिस्कुट खिलाए थे, और अभी तो घूमने आए बस ऊपर के थोड़ा नज़ारा देखने। भाई ये काहे का फूल लाल लाल है जो, पुरांस इसका क्या होता है, दवा में लगता है? बुरांस का जूस भी बनता है, और हृदय रोग के लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है इसका जूस। हैं अच्छा, इसे खा ऐसे खा खा सकते हैं? खा सकते हैं बिल्कुल, कैमरा ऑफ कर दे। अच्छा हार्ट के लिए ज़्यादा, तुम बहुत महंगा बिकता होगा ये। महंगा नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ चल रहा है भाई। देखो पत्थर एक एक पत्थर काट काट के रास्ता बनाएगी सरकार भी ना, उत्तराखंड की लाजवाब है। वैसे उत्तराखंड के लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ऐसे में तेलंगाना गया था वहाँ भी यार खाना पीना सब कुछ फ्री मिल रहा था, और यहाँ भी आए तो उसे सब कुछ फ्री मिल रही है। और ये पूरा उत्तराखंड ही पहाड़ों पे बसा है, लगभग 2 या 3 स्टेट हैं वो खाली ज़मीन पे हैं, और सारा उत्तराखंड पहाड़ों पे बसा है। वैसे अभी तो यहीं पे घूमने आए हैं बस, थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे नीचे, और यहाँ से अभी सूरज दिख रहा है, और इससे पहले सूरज नहीं दिख रहा था, अब तो ऊपर आ गए हैं तो यहाँ से सूरज बिल्कुल दिख रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना मस्त आ रहा है कलर। मैं जैसे ऊपर आ रहा था, मेरे भाई ऊपर जा रहा था, मैंने कहा भाई नहीं पूछे तो भाई की भाई मुझे लग रही है, मैंने कहा ये लोग पूछे थे लेकिन बता दो बताया कि नहीं, तो यहाँ कैंप लगाना अलाउड नहीं है। वैसे हाँ बस कैंप है, कैंप लगाना अलाउड नहीं है, पता नहीं यहाँ पड़ा तो। आज हम भाई के यहाँ रुकी जाके थोड़ा ऊपर घूमने गए थे, और इधर जाने बोल सकते हैं शाम से हो गई, जानवर बाहर निकल चुके हैं, चलते रोड पर, और अगर ज़्यादा दिक्कत काम हो जाएगी ना तो भाई जानवर रास्ते मिलने लगेंगे। अपने पास बाइक है, अगर 4 पहिया हो तो दिक्कत नहीं थी, बाइक में दिक्कत हो जाती है। और हमें वहाँ जाना है, और यहाँ से तो बहुत दूर है, अभी बीच में एक झरना भी पड़ता है, बहुत VIP झरना है, तो अभी तो चल ही रहे, धीरे धीरे भी जा रहे हैं। और देखो शाम होने लगी है और जानवर निकलने लगेंगे थोड़ी देर में, और मुझे कल तुंगनाथ जाना है, पार्टी बनते हैं अभी उसी बस घूमने जा रहे हैं, उसके बाद भी केदारनाथ के पट हो जाएंगे 25 तारीख में, फिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ। हाँ वैसे अपने इधर यूपी में ठंडी बहुत, वो गर्मी बहुत उधर हो रही है, तो हम लोग सोचा ठंडी भी चलती है, इधर बहुत ठंडी, देखो
जैकेट पहन रखे हैं, तो इसे बहुत ठंडी हो रही है। ये समझ लो आपको 7 बजे के बाद बाहर जाओगे कैसे रहिए कैसे। भाई यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, सही बता रहा हूँ। खाना भी मिल रहा खाने के लिए भाई ने, आज सुबह से भूखा हो कुछ खाया नहीं भाई ने, अंगूर खिलाए थे यार भगवान ने, पूरा दिन भूखा रखा हो खिलाया तो अंगूर खिलाए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, कहीं यार चीता देखने में मिल जाता मज़ा आ जाता यहाँ पे। देखो लोगों ने कैंपिंग लगा रखी है आगे, देखो इतना प्यारा पहाड़ दिख रहा है, इतना व्यू अच्छा आ रहा है। हमें कहाँ पे जाना है, बो चौकी है ना, वहाँ पे जाना है चौकी। चलो ज़्यादा दूर नहीं रह गया। तो इस टाइम पे हम चढ़े हैं पहाड़ पे, अपना भाभी पीछे है। ये काहे का पेड़ है यार, जंगल में अगर सेब के पेड़ होते हैं मज़ा आता मुझे। सोने का पेड़ है, सोने उसमें क्या आता नहीं मैं बता, सेब का होता फल का, खाने में खाने पे मिलते हैं। सेब का पेड़ नहीं होता। देखो इतनी ऊंचाई है यहाँ से यार, बहुत ऊंचाई है भाई। चलो कल चलेंगे तुंगनाथ मंदिर, जो कि बर्फ के बीचों बीच में है। कल हमें देखने को मिलेगी बर्फ, और जो कि ये पहाड़ है, ये तुंगनाथ का भी पहाड़ छोटा सा है, और यहाँ पे लोग बियर पीते हैं। देखो ये रखी है भाई यार, देख रहे ना कहीं चीता वीता आ जाए। हाँ नहीं ये बताओ, पूछ के आएगा क्या तुमसे कि मैं आ रहा हूँ? कहीं यहीं से जंप लगा दिया उसने, फिर हम क्या नीचे को जाएंगे? चीता और क्या भालू होते हैं? चीता नहीं होते हैं, लेपर्ड। अच्छा वो होते हैं जो तेंदुआ, बहुत सारे बहुत हरामी होते हैं, बहुत भागते बोलते हैं। ठीक है भाई चलते हैं, टाइम हो रहा, वीडियो भी डालना अपलोड करना है।